welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am Sakshi, and if you're new to my channel, hi, I'm Sakshi. I make videos on fashion, makeup, skincare, travel, food and many more. जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना लेती हूँ. तो आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. सो एज यू कैन सी माई न्यू बैकग्राउंड, येस, तो ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कि कैसे आप एक छोटू से रूम को मेकओवर दे सकते जो आपकी खुद की ही बनाई हुई हैंडमेड चीज़ें हैं उनके थ्रू. तो मैंने इस वीडियो में ऐसा कुछ भी इतना खास नहीं किया है. I mean, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है. जो मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, जो चीज़ें थी वो मैंने बस इधर उधर शिफ्ट की हैं और थोड़ा सा क्लीन किया है और अपनी ही हैंडमेड चीज़ें लगा दी हैं. तो इस वीडियो में आप देखोगे कि आपको कैसे छोटे से रूम को आप कवर कर सकते हो अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो ये अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मिशन रूम मेकओवर. और जैसा कि आप ये देख सकते हो ये है बिफ़ोर मेकओवर मेरा कमरा, और ये इससे भी ज़्यादा वर्स्ट था इसका बिफ़ोर, ये काफ़ी अच्छा है. तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे. तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले जितनी भी डस्टिंग करनी है मुझे मैं वो सारा कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही हम कुछ मेकओवर करने वाले होते हैं तो हमें याद आता है कि वो हो हमने कितनी सारी डस्ट इकट्ठी कर ली है. तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से, और मैं इसको सेट कर रही हूँ कॉर्नर में. कॉर्नर पे सेट करने का पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको बीच में लगा दूँगी तो ये काफ़ी स्पेस ले लेगा, और कॉर्नर पे लगा दूँगी तो ये छोटा सा भी है तो कॉर्नर भी हमारा कवर हो जाएगा और ये स्पेस भी कम लेगा, और जिससे रूम भी खुला लगेगा. तो अब मैं इसके ऊपर अपने जो भी मैंने ये होममेड ये मैंने बनाए हुए हैं खुद से पेंट वगैरह करके, कुछ भी जो चीज़ें थी DIY किया हुआ है, तो ये मैं इनको लगा दूँगी इसके ऊपर. और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है अपनी लेडर, और ये भी मैंने खुद ही पेंट करी थी तो ये यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगी. और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो कलरफुल होती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं आपके रूम मेकओवर में. आप भी ऐसे मेकओवर्स कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है ये बिग सा मिरर, और मिरर ऐड करने का पॉइंट मेरा ये है कि जहाँ पे भी हम मिरर लगा देते हैं वो स्पेस काफ़ी बड़ा लगने लगता है. तो इतना बड़ा मेरे पास मिरर नहीं था, जो भी था मैंने वो वहाँ पर ऐड कर लिया है. और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. तो अगर आप कभी भी रूम्स में प्लांट यूज़ करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देता है किसी भी मेकओवर में. तो मुझे तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बड़ा सा प्लांट लगा दिया है. और अब मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास थोड़े से फ्रेम्स हैं जो पहले के ही पड़े हुए थे बस मैं यहाँ पर उसको ऐड कर दूँगी. मुझे ना एक्चुअली येलो कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. कुछ भी DIY मैं करती हूँ मैं येलो कर देती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ. एंड ये फ्रेम्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इस पर कोटेशन लिखी हुई हैं. और ये भी फ्रेम्स मैंने Amazon से ऑर्डर किए थे. Amazon में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होम डेकोर के आइटम मिलते हैं. तो अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे कॉर्नर पर, और दूसरे कॉर्नर की थीम मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रखी है अकॉर्डिंग टू द पैनल. तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी अब डस्टिंग कर लूँगी. और जो आप पीछे देख रहे हो जहाँ पे मिरर लगा है वो जो वॉल थी वो पहले बहुत ही वर्स्ट थी. वो एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ. अगर आपकी कोई ऐसी वॉल्स हो जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आ रहा हो और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेशनरी से जाके हैंडमेड शीट्स खरीद सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए कलर. एंड मैंने भी यही सेम किया है. मैंने यहाँ पे 2 हैंडमेड शीट्स खरीद ली थी और मैंने इसको पूरी वॉल को वहाँ पे कवर कर दिया सो दैट वो देखने में भी सुंदर लगे और मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ. तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने कर लिया है टेबल को कवर, क्योंकि इसके नीचे हमने कुछ छुटर मुटर चीज़ें मेरी मम्मी ने रख दी थी क्योंकि स्टोरेज की कमी पड़ रही थी. तो इट्स ओके, ये ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ये बहुत ही सुंदर सा एक प्लांट अगेन, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ DIY जो मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं. तो ऐसे हम इसको ऐड कर लेंगे. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो वैनिटी में मेरा थोड़ा बहुत सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि जब मैं कर ही रही हूँ अच्छे से आज मेकओवर तो अच्छे से क्लीनिंग भी कर लो. तो मैं अभी यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद जैसे ही मैंने ये सामान लगाया हुआ था मैं एज़ इट इज़ इसको वहाँ पे रख दूँगी. एंड देख रहे हो ना आप मेरी स्पीड, मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, कितनी जल्दी काम करती हूँ. Meanwhile, you can subscribe to my channel. Please press the bell icon so that you can never miss any update. और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ. और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चाहते हो कि उनको कुछ मेकओवर करना है. तो अभी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास एक ये बैठने वाला मूड़ा था, तो इसको मैंने क्या किया, जो मेरे पास सामान था मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि मेरा सामान भी स्टोर हो जाए, दिखे भी ना। और इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया एक गद्दी, सो दैट ये देखने में भी सुंदर लगे और बैठने के लिए भी यूज़ हो जाए। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए है अपने कारपेट्स, और उस साइड मैंने ऐड कर लिए एक छोटा सा मैट कलरफुल जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है उस कॉर्नर के लिए। तो अभी जैसा आप देख रहे हो, जो मैंने थीम रखी है मैंने अकॉर्डिंग टू कलर कॉम्बिनेशन रखी है। जैसे यहाँ पे रेड वॉल है तो रेड वाला थीम रखा है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच है इसमें। एंड सेकेंड वॉल पे मैंने वॉल के अकॉर्डिंग ही थीम रखी है। एंड दीज कवर्स आर माई फेवरेट, ये मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किए थे। तो ये है बिफोर, आप देख सकते हो बिफोर, और इसके बाद आप देखोगे मेरी मेहनत का इतना सुंदर सुंदर फल। और प्लीज़ देखो और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेकओवर कैसा लगा। तो देखा आपने मैंने कैसे इस छोटे से रूम को मेकओवर किया है, वो भी इतने सुंदर तरीके से। एंड आई एम जस्ट लविंग माय बैकग्राउंड, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड मेरे पास 2-3 बैकग्राउंड्स हो गए हैं, तो मैं उसको अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। और इस वीडियो में मैंने कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, जो मेरे पास चीज़ें थी वो मैंने इधर उधर शिफ्ट करके लगा दी या हैंडमेड बनाई हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। और ऐसे ही अगर आपको न्यू आइडियाज़ चाहिए होम डेकोर के लिए, तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाती रहूँगी। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा इस रूम में क्या अच्छा लगा है, कौन सा कॉर्नर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड मैं मिलती हूँ आपको आगे वाली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।